जय भीम साथियों, दश रुद्रा द न्यूज बीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं भारत के संसद भवन में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण चल रहा है, पुष्पांजलि उनको दी जा रही है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज जयंती है। ये भारत के संसद भवन में मौजूद बाबा साहब की प्रतिमा है जहाँ पर उनके समर्थक पहुँच रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आगे जा रहे हैं संसद भवन की तरफ और लोग लाइन बना के वहाँ पहुँच रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है और उन्हें नमन करने के लिए हर साल यह आयोजन होता है। हालांकि पिछले 2 साल से कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था और संसद भवन में जो ये संसद मार्ग पर कार्यक्रम होता है इसको लेकर बहुत उत्साह लोगों में रहा, तो 2 साल का जो उत्साह बचा हुआ था आज उसकी कमी पूरी की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर और भारत के संसद में बहुत सारे लोगों की, नेताओं की मूर्तियाँ, तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन इकलौते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके लिए इतना बड़ा जमावड़ा होता है उनके जन्मदिन पर, और बाकी किसी राजनेता के लिए इस तरह का कोई जमावड़ा भारत की संसद में कम से कम जन समर्थन के तौर पर तो नहीं होता। इतने बड़ी संख्या में लोग नहीं आते हैं लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करने के लिए, उनके योगदान को वैल्यू करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अंदर जाने की परमिशन मीडिया को नहीं है इसलिए हमने आपको तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई। हमने तो काफ़ी लोगों से इनसे यहाँ पर जो है बात की लेकिन वहाँ पर मीडिया को परमिशन नहीं है अंदर जाने की, लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे संसद के अंदर तक और यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। जय भीम और तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से जो लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माल्यार्पण करके, उनके दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपना धन्यवाद जो है वो अर्पित कर रहे हैं। आप देखेंगे जो लोग हैं इस वाली जो ये रास्ता है इससे लोग जो अंदर होके आ गए हैं वो बाहर आते हैं, उस तरफ जो आप देखेंगे बैरिकेडिंग हो रखी है वहाँ पर जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं और ये लोग बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल बाबा साहब के पुष्पांजलि देखे हैं बाबा साहब फूल चढ़ा के। क्या नाम है आपका? मनीषा, तो आप बिल्कुल एकदम तैयार हो के आई हैं एकदम शादी वाले स्टाइल में, तो बाबा साहब के जन्मदिन की खुशी है? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कमलेश जी। कमलेश जी कहाँ से आई हैं? नोएडा से। नोएडा से आई हैं, तो नोएडा में भी तो एक दलित प्रेरणा स्थल बना हुआ है, बहन जी ने पार्क बनाया हुआ है, वहाँ पे भी जाएंगी? अब जाएंगे यहाँ के जाने के बाद, यहाँ से जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और देखें आप तमाम जो लोग हैं वो एक जोश के साथ आए हैं यहाँ बाबा साहब को देखने, उनकी मूर्ति को माल्यार्पण करने, और ये जो जोश है ये देखने लायक है क्योंकि आप देखिए तमाम, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इतने सारे लोग हैं, मूर्तियाँ लगी हुई, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। जय भीम, आप लोग गए थे बाबा साहब के दर्शन करने? जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? सर्वजीत बोध। सर्वजीत बोध जी, तो 2 साल से कार्यक्रम हुआ नहीं था सर, तो इस बार जो है वो कमी पूरी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कमी तो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन अभी थोड़ा जो है लोगों का थोड़ा 2 साल बंद होने की वजह से थोड़ी सी कमी तो दिख रही है और उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? सुशील कुमार सर। सुशील कुमार कहाँ से आए हैं? सर त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी जी जी। तो ये संसद मार्ग का जो मेला लगता है अम्बेडकर मेला, उसमें पहले भी आते रहे हैं कभी? सर हर बार आते हैं। हर बार आते हैं, 2 साल से बंद था लेकिन उत्साह सबके पास उतना ही है कि जब चाहे बंद हो या कितनी भी परेशानी हो लोग आते हैं। किसको देखने? अपने बाबा साहब, अपने महान विचारक को देखने आते हैं यहाँ पर संसद भवन में। और भी बहुत सारे नेताओं की मूर्तियाँ हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा जमावड़ा किसी और नेता के लिए नहीं होता, ऐसा क्यों है? सर जो समाज के लिए जो इन्होंने किया है, हर समाज के लिए, एक ही समाज के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए जो इन्होंने किया है वो किसी और नेता ने नहीं किया है, इसीलिए हर समाज का हर आदमी, हर व्यक्ति इनको देखने आता है हमेशा, क्योंकि एक ऐसे एक इंसान है जिन्होंने हर समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है, ये चीज़ें। बिल्कुल, और बाबा साहब के जो योगदान है उसको याद करने का भी ये दिन है क्योंकि जन्मदिन है, तो लोग उनके योगदान को भी याद करते हैं और आगे उनके जो कार्यक्रम है उसमें इस बात को भी रखा जाता है, बात करते हैं लोग, वक्ता आते हैं, उनके जीवन संघर्ष और जो वर्तमान चुनौतियां उस पर भी बात होती है। तो बाहर आपको भी हमने दिखाया था दूसरी रिपोर्ट में कि किस तरह से पंडाल लगे हुए हैं, वहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, ये लोग भी आए हुए हैं। थक गए क्या आप लोग चल के? थक गए थोड़ा सा? हाँ। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, आपने बाबा साहब की वो तस्वीर देखी अंदर? हाँ। कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। आप जानते हैं बाबा साहब को? हाँ। कौन है वो?
उन्होंने हमारा संविधान लिखा था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे अच्छे से रह पा रहे हैं। हमारे हमें आज़ादी मिल चुकी है। अरे वाह, देखिए आकांक्षा को भी मालूम है कि बाबा साहब ने जो है क्या उनके लिए किया है और ये पीढ़ियाँ याद रखे हैं। आपका क्या नाम है? पल्लवी। पल्लवी, आप क्या करती हैं? मैं अभी तो जॉब करती हूँ। जॉब कर रही हैं, तो आज छुट्टी है आपके ऑफिस? ऑफ लिया है। ऑफ लिया है, अरे वाह। तो वहाँ सैलरी नहीं कटेगी? कटेगी तो देख लेंगे। देख लेंगे, लेकिन बाबा साहब के नाम पे इतना तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये लोग जो हैं, इनका प्रेम देखिए बाबा साहब के प्रति, और वो जज्बात जो हैं बाबा साहब के प्रति, वो बिल्कुल देखा हमने। जैसे राकेश से हम मिले, राकेश हरियाणा के अलग इलाके से आए थे और नारनौल से आए थे, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बावजूद वो करीब 5 किलोमीटर पैदल चल के व्हील चेयर उनको नहीं मिली, तो बैसाखियों के ज़रिए वो यहाँ पहुँचे। तो लोगों का समर्थन है। पल्लवी अपने ऑफिस को छुट्टी लेके आई है कि अगर उनकी सैलरी कट भी जाती है तो उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई उनको परेशानी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है और उनके लिए इतना काम तो कम से कम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं लगातार आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। हम आपको उस तरफ की भी झलकियां दिखाएंगे। आप इस तरफ देखेंगे तो मोहित, अगर आप उधर दिखाएं तो वहां पूरा का पूरा जो पंडाल हैं वो लगे हुए हैं, ढोल बज रहे हैं, नाचना गाना जारी है, और ये लोग यहां से अंदर आते हैं संसद भवन में और यहां पर बाबा साहब की जो तस्वीर है, मूर्ति है, उस पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि उनको देके वापस लौट रहे हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ये यहाँ का नज़ारा जो देख के कम से कम बाबा साहब के अनुयायी जो हैं उनका जोश जरूर हाई हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपको कुछ और कलर्स दिखाऊंगा दूसरी रिपोर्ट में। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें मुलाकात होती है।